हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट वीडियो मैंने किया था क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड वीडियो, और आज हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड और फोर्थ वीडियो। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ कैसे है। थर्ड पहले कर लेते हैं, 6x² - 3 - 7x। पहले इसको हम अरेंज करेंगे स्टूडेंट। इसमें एक्स का पावर एक दो है, इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है। तो पहले 6x², फिर इसको इधर रखेंगे और इसको लास्ट में रखेंगे, ठीक है। पहले आप इसको ऐसे अरेंज कर लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, अब देखिए स्टूडेंट अब क्या करते हैं कि अगर इसके आगे कोई नंबर है स्टूडेंट, उसको क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले नंबर से इंटू करते हैं। अगर यहाँ पे नंबर नहीं होता तो आप क्या करते, डायरेक्ट 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते। लेकिन इसके तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, अगर इस वेरिएबल के आगे नंबर है स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, इसको लास्ट वाले से इंटू करते, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं होगा तो आप डायरेक्ट 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के सॉल्व कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसके आगे नंबर है तो क्या करें, 6 और 3 को इंटू करेंगे, 6 1 6 12 18 6 3 18 18 होता है, तो 18 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 9 18 3 3 9 3 1 3। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा नंबर हम इस जब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो इन तीनों नंबर को ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे इंटू करते हैं कि इंटू करने पे 18 आए और प्लस या माइनस करने पे, इसके अगर माइनस लगाए तो ऐसा आप नंबर प्लस या माइनस करेंगे कि 7 आए, और इंटू करने पे इसके आगे नंबर है, पहले हम इसको इंटू करें स्टूडेंट से, तो इंटू करने पे 3 नहीं आए, 18 आए। क्योंकि अगर इसके आगे नंबर नहीं होता स्टूडेंट, तो आप क्या करते, इंटू करने पे 3 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। लेकिन हम इस नंबर से इंटू करें, जो 18 आया रियल नंबर 18 आया, ना कि 3, तो आप ऐसा नंबर इसमें इंटू करिए, मतलब इन्हीं सब को ऐसे इंटू करिए कि 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम, 3 3 9 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 9 2 18 सही हो गया। तो आप प्लस पुट कर दीजिएगा, 6x². अब बड़े नंबर को आप आगे लिखिएगा, ठीक है। तो बड़े नंबर क्या है, 9 है, तो आप बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन होगा स्टूडेंट, 9x + 2x। अब 9x को 2x से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -7x, जो हमको चाहिए था -7x हो गया, तो ये हमारा सही है, ठीक है। ये स्प्लिटिंग मेथड हमारा सही है, आप क्लास 9 पढ़ेंगे तो आपको पता होगा सॉल्व किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, बड़े नंबर हमेशा आगे रहता है, तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे हम प्लस रखते हैं तो हमेशा साइन क्या लगता है, बड़े नंबर का जो साइन होता है वही साइन लगता है। अगर ये प्लस रखते हैं हम और यहाँ पे माइनस रखते हैं तो +7 होता है, जो गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे -9x लिए, यहाँ पे प्लस लिए, क्योंकि बड़े नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन आंसर में लगता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब ये हो गया, अब बस क्या करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों नंबर में कॉमन लेते हैं। इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है, एक्स है और एक है 3 है, जो होगा 3 2 6, एक्स एक एक्स बच गया, -3 3 9, एक्स बाहर चला गया, बचा नहीं है, प्लस इधर भी दोनों नंबर सेम हो गया। जब सेम हो गया तो इसमें से कोई कॉमन नहीं, जब दोनों नंबर सेम है स्टूडेंट, इस वाले नंबर में से कोई कॉमन नहीं होगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे यहीं पे पुट कर देंगे, हो गया। तो 2x - 3 दोनों नंबरों को एक तरफ लिख देंगे, और ये दूसरे ब्रैकेट में जाएगा 3x + 1, ठीक है। तो 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2 हो जाएगा। अब दूसरे वाले में 3x + 1 = 0, 3x ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, x = -1/3। एक दोनों एक्स के लिए जब मिल के स्टूडेंट, उसके बाद हम करते हैं जीरोज निकालते हैं, जो होता है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में क्या करते हैं स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज में सम दिया है मतलब दोनों एक्स को हम प्लस करते हैं, सम मतलब प्लस होता है, दोनों सम को हम प्लस करेंगे, 3/2 प्लस -1/3, दोनों एक्स का हम प्लस करेंगे, तो हो जाएगा इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, 2 3 6 3 3 9, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 2 1 2, तो 9 में से 2 गया 7/6 हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बोलता है कि वेरीफाई भी करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कॉफिशेंट और जीरोज का
जो सॉल्यूशन आएगा वो सेम आना चाहिए। तो मैंने जीरो निकाल लिया स्टूडेंट 7/6। अब कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला भी होता है जो होता है यहाँ देख लीजिए, जो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए तो कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट वो होता है, देखिए ये क्वेश्चन है तो उसमें देखिए स्टूडेंट ये सब वेरिएबल होता है, ये तो पता है आपको एक्स एक्स वेरिएबल होता है और एक्स के आगे जो नंबर होता है वो कोफिशियंट होता है, 6, 3, 7 सब क्या है कोफिशियंट है ठीक है। तो इसमें बोला है कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशियंट क्या होगा, जो एक्स के आगे जो नंबर होगा वो कोफिशियंट होगा। एक्स के आगे कौन सा नंबर 7 है, अब 7 के आगे माइनस है तो माइनस आप लिखेंगे आंसर में भी, तो आप क्या लिखेंगे माइनस 7 हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स है, ये माइनस फॉर्मूले में था और माइनस माइनस आप ज़रूर लिखिएगा, माइनस 7 ही हो जाएगा और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आगे कौन सा नंबर है 6 है, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो गया 6। अब माइनस से माइनस प्लस हो जाता है तो 7/6। अब देखिए इसमें वेरीफाई करना था जो सम ऑफ जीरोज 7/6 है और कोफिशियंट हमारा भी 7/6 है, दोनों क्या हो गया इक्वल आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करते हैं इंटू करते हैं, पहले हम दोनों एक्स की जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसको हम इंटू करते हैं। एक्स की वैल्यू कौन से फाइंड कर रहे हैं, 1 3/2 एक माइनस 1/3, तो 3/2 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कैंसिल बचा के माइनस 1/2। अब कोफिशियंट निकाल लेते हैं इसका, इसका फॉर्मूला होता है कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं होता है, देखिए स्टूडेंट जिसके पीछे कोई वेरिएबल कौन सा नहीं है, इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें एक्स एक्स वेरिएबल होता है, इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या होगा हमारा कांस्टेंट टर्म माइनस 3। अब माइनस 3 है तो आप माइनस 3 लिखेंगे ठीक है, माइनस 3 कॉन्स्टेंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है 6 है, कैंसिल बचा क्या माइनस 1/2, ये दोनों एक दूसरे इक्वल आ गया, तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4th, फोर्थ क्या है 4u² + 8u, तो क्वेश्चन फोर्थ है 4u² + 8u। अब देखिए सर अब हम क्या करेंगे, इसमें तो दो ही नंबर दिया हुआ है, तीसरा नंबर नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे पहले इन दोनों नंबर में कॉमन देखिए क्या होगा, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन होगा, एक 4 होगा एक u होगा, जिसमें u हो जाएगा एक u बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे 4 2 8 बस ठीक है। अब इसके आगे हम जीरो लगा देंगे तो 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू कोई भी नंबर, 0 किधर जाता है तो इंटू होता है 0 किधर, तो 0 हो जाता है, तो एक u का 0 आ गया, दूसरे u क्या आ जाएगा 4u इज इक्वल टू 0 पहले किए हैं, फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू माइनस 2, एक u 0 है एक u माइनस 2 आया। अब हम सम निकाल लेंगे, सो अब 0 हो जाएगा, प्लस होता है तो प्लस 0 और 2 और प्लस माइनस 2, तो 0 - 2 तो बचेगा क्या माइनस टू बचेगा, इसको ऐड करने पे कोफिशियंट निकाल लेते हैं, देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं, तो माइनस होता है क्वेश्चन कोफिशियंट क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट एक्स यहाँ पे यू दिया हुआ है वेरिएबल में, तो आप यहाँ पे यू लिख दीजिएगा ठीक है, माइनस लगेगा, कोफिशियंट ऑफ यू इसमें क्या होगा 8, 8 यू के आगे जो नंबर है तो वो इसका कोफिशियंट होता है, तो यू इसमें कोफिशियंट ऑफ यू पूछा तो 8 हमारा कोफिशियंट ऑफ यू हो गया, कोफिशियंट ऑफ यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 2 8 -2, अब -2 - 2 एक दूसरे इक्वल आ गया, तो ये हमारा प्रूव होगा ये इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, दोनों को इंटू कर लेंगे 0 - -2, तो 0 से कोई भी नंबर इंटू होता है तो क्या होता है 0 आता है, ये 0 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं होता है, लेकिन आप इसमें दो नंबर देख रहे हैं, दो नंबर दोनों में दोनों के पीछे वेरिएबल लगा हुआ है, तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पे नहीं है जिसके पीछे वेरिएबल नहीं लगा है, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0 आप लिख दीजिएगा ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। अब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो तो क्या आता है 0 आता है, तो ये एक दूसरे इक्वल आ गया, तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। देखिए क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट का थर्ड फोर हमारा कंप्लीट हो गया,
सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.